सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वेब ब्राउजर के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो, साथ ही साथ उस रिवॉर्ड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे भी अर्न कर सकते हो। आप में से बहुत सारे यूजर्स जो क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हो, लेकिन क्या अभी तक इन वेब ब्राउजर से आपको कोई अर्निंग हुई है? मेरे ख्याल से 1% भी नहीं। लेकिन आज जो मैं वेब ब्राउजर बताऊंगा, इनमें से बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती है। तो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस वेब ब्राउजर को कैसे यूज करना है, इसको रिवॉर्ड को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसको कैसे विड्रॉ करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जेवियर और आप देख रहे हो मेरा चैनल साफ पाइट। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इन टू द वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ब्रेव ब्राउज़र एक तरह का यूनिक ब्राउज़र है और इसको आप ना सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप बल्कि आप स्मार्टफोन में भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। और मैं अपने स्मार्टफोन की ओर आ गया हूँ और स्मार्टफोन में अगर आपको ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल करना है तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही साथ iOS यूज़र के लिए भी एप्पल स्टोर में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा है। इसकी आप रेटिंग देख सकते हो, 4.5 की रेटिंग है और इसके इतने रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, ये बहुत ही फास्ट है, सेफ़ है और प्राइवेट वेब ब्राउज़र है। और इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड भी इसका बहुत बढ़िया है और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एडवर्टिजमेंट को ब्लॉक कर देता है और इसमें आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहती है। इसका एक फ़ायदा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें जो ऐड आते हैं इसका पर्सनलाइज ऐड रहता है और इसमें जो नोटिफिकेशन है बहुत ही सिंपल नोटिफिकेशन है। तो बिना देरी के मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसको मैं कर लूँगा ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मेरा करंट अर्निंग है 2.595 बैट, बैट यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन, जिसकी करंट वैल्यू है 1.88 US डॉलर, ठीक है। और मेरा जो नेक्स्ट पेमेंट है 8 मई को कंप्लीट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन गीको में कि ब्रेव ब्राउज़र का करंट वैल्यू क्या जा रहा है। तो कॉइन गीको को मैंने ओपन किया है और पिछले वीडियो में मैंने कॉइन गीको के बारे में बताया था। तो यहाँ पे कॉइन गीको के सबसे टॉप में राइट साइड में जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बैट यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन इसकी करंट वैल्यू दिखाता हूँ। इसकी करंट वैल्यू INR यानी इंडियन रुपीस में 55 रुपये के आसपास जा रहा है और इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई 142 रुपीज़ का था और ऑल टाइम लो 4.66 रुपये का था, ठीक है। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये इसका करंट वैल्यू है, ठीक है। और मैं आपको ले चलता हूँ वेब ब्राउज़र की ओर। इसको मैंने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया, कर लिया है और देखिए इसका कैसे फंक्शन होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन ऐड दिखाई देगा। सिंपली आप इस पर जैसे क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कितने अर्न हुए हैं। तो इतने सारे टैब ओपन है मेरे पहले से। ऊपर की ओर जो राइट साइड में ट्राइंगल शेप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो अर्निंग है यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे मेरा जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की मेरी अर्निंग है 2.605 बैट और ये पर ऐड पे 0.005 बैट टोकन एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट करता है, ठीक है। तो आपको अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने पहले सारे टैब को मैं क्लोज कर लूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने PC में ले चलता हूँ और PC में दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 0.222 बैट मौजूद है और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा या रीलोड करूँगा तो यह कैसे वर्क करता है आप देखते रहिए। यहाँ पे जैसे मैंने रीलोड किया, फिर से रीलोड किया, या आप नया टैब ओपन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट कॉर्नर में छोटा सा ऐड शो हो रहा है और अभी देख रहे हैं यहाँ पे 0.222 बैट है। जैसे मैं इस ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड इस तरह ओपन होगा। बहुत ही सिंपल ऐड है, लगेगा ही नहीं कि ऐड है, ये एक वॉलपेपर की तरह आपको दिखाई देगा।
तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 0.227 यानी कि 0.005 बैट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। वापस से मैं अपने स्मार्टफोन में आ गया हूँ, यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो करंट बैट 2.750 अब्जेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो रिवॉर्ड फ्रॉम बैट 0.25 बैट, और पर एड पे ये आपको 0.005 बैट यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट करता है। और इसकी सबसे खास बात है यहाँ से आप मल्टीपल टैब को ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एग्जिट है, सेटिंग्स है, इसका इनबिल्ट ब्रेव वॉलेट भी है तो ये बीटा मोड में है, और यहाँ से यहाँ प्राइवेट टैब भी है, एक तरह का ये VPN भी आप कह सकते हो, और ये इतना सिक्योर हाईली सिक्योर्ड वेब ब्राउज़र है। तो इसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इतने बैट टोकन या फिर इतने USDT है या USD है, तो इसको आपको अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसके लिए एक वॉलेट वेरीफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वेरीफाई वॉलेट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ करोगे तो आपको अपहोल्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आप चाहो तो स्मार्टफोन लैपटॉप या PC में भी अपहोल्ड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। अपहोल्ड अकाउंट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है और अपहोल्ड से इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपहोल्ड अकाउंट में आपका जितना भी क्रिप्टो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर उसके ज़रिए आप बैंक अकाउंट में उसको दूसरे एक्सचेंज में दूसरे यानी कि अगर आपको बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसका मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसको अपहोल्ड अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है और इसको कैसे विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर से एक टैब ओपन करूँगा। देखिए अभी तक मैंने इतना टैब ओपन किया लेकिन एक भी पॉपअप आपको नहीं दिखा दिया। अगर आप क्रोम यूज़ करोगे या दूसरे जैसे एक UC ब्राउज़र आता था उसमें दुनिया भर का पॉपअप रहता था, तो उसमें कोई भी पॉपअप आपको दिखाई नहीं देगा, एकदम एकदम स्मूथ वेब ब्राउज़र है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा उसके बाद मैं आपको ट्राइंगल में क्लिक करके दिखाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए ये वेरीफाइड क्रिएटर है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो आप इसको ट्विटर अकाउंट और अपने यूट्यूब चैनल या कोई भी वेबसाइट को आप इस वेब ब्राउज़र से लिंक कर सकते हो और उसको आप एज अ रिवॉर्ड आप टोकन अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेंड टिप का ऑप्शन है, जैसे यहाँ सेंड टिप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो टिप अमाउंट में आप देख सकते हो 1 बैट 5 बैट 10 बैट, और इसकी वैल्यू USD में आप देख सकते हो। तो यहाँ कह रहा है वेलकम, यू कैन सपोर्ट दिस साइट बाय सेंडिंग टिप, इट्स अ वे ऑफ थैंकिंग देम ऑफ मेकिंग ग्रेट कंटेंट, वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स गेट पेड फॉर देयर टिप ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ ईच कैलेंडर मंथ। तो इसका जो पेमेंट सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पेमेंट सिस्टम समरी में। समरी में आप देख सकते हो रिवॉर्ड फ्रॉम बैट 0.250 यानी कि 0.18 USD, ये अप्रैल महीना का ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको YouTube ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने YouTube को ओपन किया है और मैं अपना जो चैनल उस पर चला जाता हूँ, यहाँ ये मेरा चैनल देखिए योर चैनल। सो फ्रेंड्स ये मेरा चैनल है और यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा चैनल भी वेरीफाइड है, और आप चाहो तो यहाँ पे इसको टिप में एज अ टिप आप प्रोवाइड कर सकते हो मुझे भी। सो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।